सो गाइस ये देखिए, ये नेम है किला मुनिक, और ये देखा मिस्टर मिस्टर हैं जी। खोपड़ी गर्म हो चुकी है, देखो बैर बैर का पेड़ के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ देखिए, काफ़ी ओल्डेस्ट यहाँ पे होम है। देख रहे हैं कुत्ता वगैरह घूम रहा है इधर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आजमी जी ब्लॉग। आज हम लोग नया ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी दिन हो गया ब्लॉग डाला नहीं था, तो आज एक नया ब्लॉग है। ये ब्लॉग हमारा है रियाड टू मजमा। आज जा रहे हैं मजमा घूमने के लिए, वैसे भी फ्राइडे है तो वह चलो मजमा घूम आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मजमा घूमने के लिए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी। अस्सलाम वालेकुम, सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ मजमा में है, मजमा का रेड फोर्ट देखने के लिए। अभी ये रास्ते में है, हम लोग चार पांच लोग हैं जा रहे हैं। अभी मजमा का रेड फोर्ट है, वहाँ पे जाके देखेंगे कैसा दिखता है क्या है, काफ़ी नाम सुन रहे हैं उसका। तो जा रहे हैं अभी हम लोग बाई वॉक देखने के लिए। सो ये है मिस्टर यार इलाहाबाद के, ये हैं मिस्टर सिराज हमारे लालगंज के, और ये हैं मिस्टर मिस्टर आपको दिखाए थे उस दिन, ये हैं अलग दुनिया के हैं, और ये हैं मिस्टर नेता, ये हैं दरियाबाद लखनऊ के, बाराबंकी। और ये देखा मिस्टर मिस्टर हैं जी। खोपड़ी गर्म हो चुकी है, देखो बैर बैर का पेड़ के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ देख लीजिए, देख लीजिए। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मजमा का काफ़ी ओल्ड होम है, यहाँ पे काफ़ी ओल्डेस्ट होम है। अभी हम लोग को रास्ता भी नहीं मालूम है, ये लोग रास्ता दिखाएंगे कैसे जाना है। ये लोग हैं, ये लोग बताएंगे कैसे जाना है कैसे नहीं। सो गाइस ये आ गए हम लोग इधर, ये देखिए काफ़ी ओल्डेस्ट यहाँ पे होम है, काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लालटेन वगैरह सब लगा कर रखे, मालूम नहीं काफ़ी ओल्डेस्ट ये है। ये देखिए ये लालटेन है यहाँ पे टांगी हुई है, ऐसे ही ओल्ड घर पड़े हुए हैं, ये काफ़ी बात ये बहुत पुराना है। अब देखिए एक चीज़ और, ये छोटा सा मेरे ख्याल से म्यूज़ियम है, यहाँ पे खाने काबे का और अलूला का और मदीना का सब ऐसा बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, इस छोटा सा म्यूज़ियम है मजमा में। ये देख रहे हैं ये सारा मिट्टी का घर बना हुआ है यहाँ पे, सारा मिट्टी का है और ये काफ़ी पुराना है। देख रहे हैं ये कुत्ता वगैरह घूम रहा है इधर, काफ़ी ओल्डेस्ट होम बना हुआ है। यहाँ पे आबादी पहले थी, अभी तो सब चले गए शहर में। देख रहे हैं गलियाँ कैसी है, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। लगता है हम लोग रास्ता भूल गए हैं। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ये अंदर, ये उसका मेन एंट्रेंस है, अभी अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या है, वहाँ पे कुछ होगा तो उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। कोई ओल्ड एज हिस्ट्रिकल एरिया है ये। सो गाइस ये आ गए ऊपर हम लोग।
सो गाइस यहाँ पे आगे से रास्ता क्लोज था, अभी हम लोग दूसरा रास्ते से जा रहे हैं। लगता है रास्ता बंद है, उधर से हम लोग भटक गए। हम लोग को पता ही नहीं, पहली दफ़ा आ रहे हैं तो मालूम ही नहीं हो रहा है। बोल बोलो ये वाला रास्ता है भाई। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, वहाँ पे देख रहे हैं गेट किधर है। सो गाइस ये देखिए, ये नेम है किला मुनिक, ठीक है, मा तहियात बलदिया महाफिज मजमा, ठीक है, ये किले का नाम है किला मुनिक। अभी यहाँ पे बंद किया हुआ है ये लोग, मालूम नहीं मेरे ख्याल से टाइमिंग है इसमें कुछ। हम लोग लगता है पहले ही आ गए हैं यहाँ पे। 4 बजे से 11 बजे तक। हाँ 4 बजे से 11 बजे तक क्या? फ्रॉम 4 बजे खुला 16 इतनी बेला खुली 4 बजे। एक सेकंड रुको, चेक करते हैं ना। 16 to 23 PM। तो ये देखिए यहाँ पे ये टाइमिंग्स है फ्रॉम 16 to 23 PM। तो वेट करेंगे, खुल ओपन होता है तो फिर अंदर चलते हैं। तो ये हमारे भाई साहब है, आए, इनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन लिए, बता रहे 4 बजे ओपन हो जाएगा और अभी ओपन कर रहे हैं, फिर हम लोग चलते हैं अंदर। अब कहाँ से है भाई? नेपाल। ये हमारे नेपाल के भाई हैं, ठीक है। आ गए हम लोग अंदर, ठीक है। ये किला, ये गाइस अभी इंटर हो गए हैं हम लोग, 4 बज गया था तो अभी जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है अंदर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ पे आके, तो हुआ कि चलो ठीक है चेक करते हैं, ठीक है, ओके चलिए अंदर चलते हैं। तो ये स्टेयर है अंदर जाने के लिए, ठीक है, तो ये जा रहे हैं। मजमा देखा जाता है। तो गाइज ये देख रहे हैं यहाँ पे सारा पुराना होम है, ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा ओल्डनेस है। अभी हम लोग काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, ये देखिए ये लोग थक गए। ठीक है, ऊपर आके यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा, अंदर कुछ कोई खास नहीं है, बस बना के रखे हैं थोड़ा सजा के विजिट करने के लिए। हम तो सोचे कि इसके अंदर कुछ हिस्ट्रिकल होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पुराने ज़माने के सब है। थक गए यार हम लोग, तो ये हम लोग के सब दोस्त यार हैं, ये सब लोग थक गए हैं, अभी काफ़ी ऊँचाई पर हम लोग आ गए हैं। ये तेल का है ना? ये तेल का है? नहीं वो तो टंकी बनी है। पानी है? पानी तो गजबन किया है। ये तेल का है? अरे पैदल हो तरी भी दौड़ रहा है, चला। सो गाइस अभी हमको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री मालूम हुई। यहाँ पे ये मरकज था मजमा, जो ये पीछे आप देख रहे हैं ना, ये सारा एक गांव था, तो यहाँ पे लोग रहते थे। तो क्या होता था कि यहाँ पे जैसे रियाद है या और कोई जगह पे है, आते थे यहाँ पे लोग तो यहाँ पे रहते थे। तो ये देखिए एक किला टाइप का बनाया है यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर आके लोग खड़े होके ना यहाँ से जैसे बोलते हैं ना क्या निगरानी रखते थे कि गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लोग सही है कि नहीं सही है, वो चौकीदार जैसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे चौकीदारी होती थी। तो ये देख रहे हैं ये मेरे पीछे
ये यहाँ से इसके ऊपर से खड़े होके ये पूरे मजमे की चौकीदारी करते थे ये लोग। बस यही एक मजमा था पहले, पुराना छोटा सा सिर्फ गांव था, बाकी और कुछ नहीं था यहाँ पे। सिर्फ ये देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये छोटी सी थोड़ी सी आबादी थी, उसके बाद यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है। ये देखिए बस ये ख़त्म हो गया। अभी और जो आगे आप लोग नया जो देख रहे हैं ना, वो अभी नया मजमा बना हुआ है। सो पहले यहाँ पे लोग ऐसे रहते थे, तो अभी एक बंदा आया हम लोग को, फिर बताया पूरा हिस्ट्री। और यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी भी नहीं गई थी, बस एक बोर्ड मिला था लेकिन वहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं थी, और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये किले की हिस्ट्री क्या है। तो अभी एक सऊदी आया था, वो भी ब्लॉगिंग करता था, तो वीडियो बना के अभी उससे पूछे तो बताया कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे ये था, तो फिर मालूम हुआ कि ये क्या चीज़ है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पीछे इसके ऊपर ये लोग खड़े होके यहाँ पे चौकीदारी करते थे। एक वहाँ पे है, ठीक है, और एक इधर है, एक उधर है, और ये सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ये है, इसके ऊपर ये लोग अपना खड़े होके। सारा मिट्टी का बना हुआ है, यहाँ पे नीचे देखिए पत्थर लगा हुआ है, पत्थर के बाद सारा मिट्टी का बना हुआ है। तो इससे निगरानी करते थे ये लोग कि हमारे गांव में सब कुछ सेफ रहे, कोई चोर कोई मतलब ऐसा कुछ ना हो, कोई अंदर आए नहीं अजनबी करके ऐसे। तो यही है इसकी हिस्ट्री, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसका नेम है किला मुकीब, क्या ऐसे करके नेम था। वहाँ पे गेट पे है, आपको दिखाएंगे गेट पे। और ये मरकज था, ये मजमा का ये मरकज है। ये देखिए ये गांव है, ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत व्यूस लग रहा है। ये सामने देखिए ये कितना खूबसूरत आ रहा है, देख रहे हैं। ये हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे, और हवा भी ठंडा ठंडा आ रहा है। ये पीछे का व्यूस है, ये मजरा है, यहाँ पे खेती उती होती है, वो वहाँ पे मजरा बोलते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे भी ये है, ये जो सामने जो दिख रहा है ना, ये सारा मजरा है, मजरा बोलते हैं इसको, खेती होती है इसके अंदर। और जो खजूर के पेड़ सारे दिख रहे हैं ना, उसके अंदर खेती होती है। खेती क्या होती है, जैसे टमाटर मिर्ची ये यही सब मतलब साग सब्जी ये सब अपना बोते हैं। और ये है जो मेन है, यहाँ पे बंदा ऊपर खड़ा होके अपना चारों तरफ से पूरे मजमे की ये पूरे गांव की और देखभाल करता था। और ये जो सुराख जो देख रहे हैं, यहाँ से बंदूक वगैरह सब कुछ निकाल के लोग अपना रखते थे। देखिए यहाँ पे ये खेमा बना हुआ है, यहाँ पे लोग आके ये खेमे में रेस्ट कर सकते हैं। इसे एक दो तीन चार खेमा बना हुआ है, और ये मेरे ख्याल से म्यूजियम टाइप का या कुछ बनाए हैं इसके अंदर कुछ है, ठीक है। और ये देखिए ये इसका ये वाला हिस्सा हो गया। तो ये लोग हैं इधर पहुँच गए हैं नीचे, ये हमारा नीचे का व्यूज है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारा चैनल है आज़मी जी ब्लॉग, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई नई जगह कोई नया इंटरटेनमेंट होगा, ठीक है, ओके बाय। सो गाइस ये नीचे का व्यूज़ था, तो और ये है हमारा यही किला है, ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं अभी। ये देखिए ये ऐसे से घर हुआ करते थे, ये देख रहे हैं कितना पुराना है सब। सो गाइस ये पुरानी जीप है जिसमें मिलिट्री वाले विजिट करते थे बैठ के, ये देखिए बहुत पुरानी है।